मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज हम जा रहे हैं सुबह सुबह आम की मार्केट में, क्योंकि हमने जो आम पकाए थे वो हमारे कुछ खराब हो गए, तो हमें पता नहीं चला उसका कैसे पूरा मेंटेन करने के। तो थोड़ा मैं अपने भाई को आम देने थे, हमने उसके साथ प्रॉमिस किया था। आम की मंडी के लिए निकल चुके हैं, तो फिलहाल तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा, आज कल मौसम शाम को अच्छा था तो बारिश के चांसेस बड़े, मतलब ये लो परसेंटेज थे, क्योंकि कल बारिश भी नहीं हुई, हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, तो गर्मी तो फिलहाल तो काफ़ी ज़्यादा। आज तो भाई अभी तो सुबह 9 ही बजे, अभी तक तो बुरी हालत हो चुकी है। आज हम अपनी लैम्बॉर्गिनी उरस लेके जा रहे हैं, तो अभी मंडी में जाके बाकी देखते हैं आगे जाके क्या आम अच्छे मिलते हैं कैसे हैं। इतना मीठा आम था ना, मैंने इसको ट्राई किया, आम को तो काफ़ी ज़्यादा मीठा था आम। कड़क देखो, चेक कर रहा है आम को, कोई ख़राब नहीं है कोई कुछ। मंडी से आम खरीद लिए हैं और अभी हम निकल रहे हैं घर के लिए, तो भाई ने गाड़ी में आम रखवा दिए हैं, तो अभी हम निकलेंगे सीधे घर में और बाकी शूट करेंगे घर जाकर। देखो कड़क लौंडा अपना ब्लॉग खुद ही देख रहा है। कड़क ये देखो। हाँ भाई, और बढ़िया बड़े ब्लॉग शॉक देख रहे हो क्या? करो, देख रहा हूं। भाई वो पीछे देखो, वो पीछे कौन सोया हुआ है? पीछे सोया है मेरा बुबू। इसको नींद लगी हुई है, कड़क इसको डिस्टर्ब कर रहा, और ये अभी उठेगी 9-10 बजे करीब करीब उठ जाएगी। भाई कड़क लौंडा देखो, आज स्मार्ट लग रहा है कुछ ज़्यादा ही, जहाँ तो मेरे को लग रहा कैमरे से ग्लो कर रहा ज़्यादा, नहीं लाइट भी ऑन की हुई है ना मैंने। भाई सच में आया, पर्सनैलिटी अच्छी लग रही है ना। नीचे ये देखो भाई, जहाँ पे कड़क बोलेगा नहीं दिखाना, हम कैमरा ही वहीं पे मारते सबसे पहले। फाइनली गाइस, अभी हम करेंगे नहाने की तैयारी, तो क्योंकि अभी हमें ऑफिस वगैरह भी निकलना है, तो नहा लेते हैं घर जाके, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, 9:30 बज चुके हैं, तो अभी हम जाते हैं घर पे। हाँ भाई गाइस, टाइम देख लो, 9:27। ठीक है भाई, अभी टाइम हो चुका है, 10 बज चुके हैं और हम नहा नहू के तैयार हो चुके हैं। अभी हम जाएंगे कड़क लौंडे के घर पे और लौंडे को देखते हैं वहाँ पे वो तैयार हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि अभी हम निकलेंगे ऑफिस अपने, तो अभी मैं निकलने लगा हूँ अपने घर से। देखो नवी आज नहा रही है टब में। कहाँ जा रही? कड़क लौंडा बात कर रहा है नवी के साथ। कहाँ जा रही? नवी बातें करती है, आप लोग भी इनसे बात कर सकते हो, नवी को अगर मिलना हो तो आप लोग नवी को घर आके मिल सकते हो। नवी बात करो। हेलो हेलो गुगु, शांत हो गई अभी? अभी देख रही है, नहा रही है ना, तब नहाने में बिजी अभी वो। चलो गाइस, आज हम अपनी सेकंड डोज लगवाने के लिए जा रहे हैं, मुझे लगेगी। गाइस कड़क लौंडा जो कि आज हमारा जो कि ये वैक्सीनेशन करवाने जा रहा है, फर्स्ट इन्होंने करवा दी थी, अभी कोविशील्ड लगेगी मुझे नेक्स्ट। नवी के साथ मौज मस्ती करता हुआ अभी, ये देखो बड़ा प्यार आ रहा कड़क को आज, ये देखो डमरू बड़ी हो गई है। इधर देखो ऊपर, नीचे करो मास्क मेरा, नवी की ये खासियत है, नवी ना मास्क मुंह पे रहने नहीं देती। अभी अभी बोल रही मेरे को उठाओ, कड़क को बोल रही मेरे को उठाओ। अभी थे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अखनूर में, जो कि इधर वैक्सीनेशन खत्म हो चुकी है, तो इसलिए भाई आया था कड़क को वैक्सीनेशन लगने के चक्कर में। आते आते हमारा स्कूटी का एक्सीडेंट भी हो गया नॉर्मल सा, तो कड़क अभी काफ़ी सैड है क्योंकि इसको वैक्सीनेशन नहीं लग पाई दूसरी डोज, तो वो बोल रहे हैं कि 15 के बाद आएगी वैक्सीनेशन। ठीक है, अभी हम जा रहे हैं मुँह लटका के घर पे। वैक्सीनेशन के बाद अभी हम निकल चुके हैं जम्मू के लिए, वैक्सीनेशन तो लगी नहीं भाई को, वहाँ पे भी हमें ऐसे ही
जाना ही पड़ा। फिर पता किया तो वो बोलते हैं कि 15 तारीख के बाद वैक्सीनेशन लगेगी, लेकिन अभी फिर अभी हम जा रहे हैं जम्मू में भाई। और बस बढ़िया बढ़िया, ठीक है और ठीक ठाक। क्या चल रहा है यार? तो भाई फॉग चल रहा है। फॉग चल रहा है, ठीक है भाई। आपके उधर क्या चल रहा है? गाइस आप भी बताना आपके वहाँ पे क्या चल रहा है। भाई ने कड़क लौंडे ने तो बोल दिया कि फॉग चल रहा है, तो आप लोग भी बताना। बिल्कुल हम चिन आपके पास से जा रहे हैं अभी, ठीक है। आपको नेक्स्ट वीडियो में जूम और चिनाब रिवर भी ले चलेंगे हम अपने। काफ़ी पानी ठंडा है यहाँ पे इस चिनाब रिवर में। कुछ हम आपको कैमरा नहीं कर सकते इस तरफ, क्योंकि कुछ आर्मी की कोई प्रोसीजर चल रहा है यहाँ पे, तो इसलिए कुछ हम आप सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग हम आपके साथ ये चीज़ शेयर नहीं कर सकते। जब हम चिनाब के पास जाएंगे तो वहाँ पे हम पूरा शूट करेंगे चिनाब को, ठीक है। तो आपको बताएंगे वहाँ वहाँ पे क्या क्या है, क्या कुछ नहीं है। ब्यूटीफुल व्यू। My days are brighter, my shoulders are so much lighter. Just for a moment there, I thought that there was nothing more to life. I thought about it, wrote a couple songs about it. Just for a moment there, I lost myself. Mind if I be real for a minute? It's almost like everything I feel. Finally, अभी हम जम्मू पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में हम अपने ऑफिस पहुंच जाएंगे। कड़क लौंडा फोन पे बात कर रहा है किसी के साथ, और हम पहुंच चुके हैं जम्मू में हमारे अपने ऑफिस में। तो ट्रैफिक काफी ज्यादा है, मात्र यहाँ से 5 मिनट दूर है हमारा ऑफिस, लेकिन ट्रैफिक भाई इतना है ना, ये देख सकते हो आप लोग ट्रैफिक देखो, इतनी लंबी लाइन लगी है। इसको थोड़ा टाइम लगेगा अभी खत्म होने में। टाइम हो चुका है 6:15, जो कि सिमू के जिम में आ चुके हैं। सिमू यहाँ पे पाइपर रखते हैं। सिमू यहाँ का पांडिया, अभी बोधी रखी हुई इसने पीछे, ठीक है। ये देखो लौंडा कड़का भी बड़ा, देखो ये सिमू भाई, ये वर्कआउट स्टूडियो का मालिक है। यहाँ पे पूरी मौज करता है यहाँ पे। अभी पहले ये चेस्ट लगा रहा था, जिम गया था, तो जिम से अभी मैं आ चुका हूँ। तो अभी हम घर की जाने की तैयारी कर रहे थे, तो गाड़ी में भी आ चुका हूँ, ठीक है। तो घर में जाने की तैयारी कर रहे थे हम, तो इतनी देर में पापा का फ़ोन आ गया, तो थोड़ा उन वैसे चक्कर वगैरह आ गया, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा 44 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है जम्मू में, ठीक है। तो मैं उनके पास चला गया शॉप में, मैं और कड़क लौंडा चले गए पापा के पास शॉप पे, वहाँ से उनको पिक किया। तो अभी हम जा रहे हैं घर पे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा ब्लॉग भी नहीं बना पाए, क्योंकि फैमिली फर्स्ट, आपको पता भी है भाई, तो सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं अपने घर पे, ठीक है। पापा को साथ लेके घर में जा रहे हैं अभी। देखिए हमारे पापा, ये हमारे पापा जी हैं, ये हमारे कड़क लौंडा, मास्क वगैरह लगाया हुआ अभी सभी ने। सही बात है, मेरे को छोड़ के अभी। ये कड़क लौंडा हमारा, लौंडा भी ड्राइव कर रहा है साथ में। तो ये आप बाहर का भी देख लो भाई, नाइट काफी ज्यादा 8:07 हो गए अभी। रात के 10 बज चुके हैं और हम घर पहुंच चुके हैं इस वक्त, ठीक है। ये पी हुआ हमारी। तो गाइस अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं।